नमस्कार, ललन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप। मैं प्रशांत मुखर्जी। कैमरे पर जो आप अभी देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो है रसगुल्ला। लेकिन आप सोच रहे होंगे हरा क्यों है, तो ये है कच्चे आम का रसगुल्ला। चुनावी खबर आप बहुत देखते हैं, बंगाल आए हैं तो मिठाई भी खाइए। देखिए, खा तो नहीं पाएंगे, हम आपको और भी तरह तरह की चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि हम हैं इस वक्त जयनगर विधानसभा सीट पर। जयनगर किसके लिए मशहूर है? मोआ के लिए मशहूर है, एक तरह की मिठाई जिसकी GI टैग भी अभी मिली है कुछ ही समय पहले। और हम श्री कृष्ण मिष्ठान भंडार में हैं। आप ऊपर देखिए, श्री कृष्ण मिष्ठान भंडार, ऊपर मोआ भी लिखा हुआ है, वो कोने में दिखाइए। बट अफसोस की बात यह है कि आज हम आपको मोआ नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मोआ खजूर के गुड़ से बनता है और सिर्फ ठंड के मौसम में बनता है। बाकी सारी मिठाई दिखाएंगे, और सबसे पहले आपको दिखाएंगे वो, ये वही दुकान है जहां पर बहुत पहले, करीब 100 साल पहले पहली बार मोआ बनाया गया था। आपका नाम क्या है? मेरी नाम है पियाली माइती घोष। पियाली नाम है इनका। पियाली जी ये दुकान चलाती हैं, ये इनके पिताजी हैं जिन्होंने मोआ बनाने की शुरुआत की थी, इनके दादाजी भी यहीं हैं, आप देख लीजिए। और पियाली जी अब हमें बताएंगी कि यहाँ कौन कौन सी मिठाई खास बेचनी है। चलिए पहले मोआ के बारे में कुछ बताइए, मोआ कैसे मशहूर हुआ और आप ही की दुकान में पहली बार बना था ऐसा बताया जाता है। हाँ, हम लोगों का दुकान पे 1928 में पहली बार वो मोआ बनाने वाले थे, मेरा दो दादाजी उधर पूर्णचंद्र घोष और नित्य गोपाल सरकार। उसके बाद में वो ट्रेडिशन हम लोग कैरी किया, मेरी पापा जी वो अशोक घोष, उन लोग पहले बहुत अच्छे से मोआ बनाया और अब आज तक वो चल रहे थे बहुत अच्छे से। मतलब जयनगर का जो ब्रांड है मोआ एंड जो GI टैग मिला मोआ का, वो ये पूरा जयनगर का जो रेपुटेशन है वो हम लोग अच्छी तरफ से कैरी कर रहे हैं। अच्छा बताइए, आप इतना बढ़िया हिंदी बोलती हैं, आप क्या बाहर रही हैं? मैं बैंगलोर पे रहती है। बैंगलोर में रहती, क्या करती थी वहाँ? नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं, मैं हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ थी तो बैंगलोर में रहने के बाद अब आप वापस लौट आई हैं, यहाँ संभाल रही हैं दुकान। वेरी रिसेंटली मेरे पापा जी का डेथ हो गया। अच्छा। तो उसी लिए मैं इधर आ गई और ये अभी संभाल रही है। देखिए, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पुश्तैनी कारोबार, अपना सब कुछ छोड़ के बैंगलोर में। तो वहाँ आपकी फैमिली रहती है, मतलब आप शादीशुदा हैं? हाँ हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। फैमिली वहीं रहती है? नहीं, मेरी फैमिली कोलकाता में है। अच्छा, आप कलकत्ता मूव कर गई है। जयनगर कलकत्ता से करीब 3 घंटे की दूरी पर है। तो आइए कुछ हमें बताइए, अच्छा मोआ के साथ ये जो चीज़ है कि ठंड में ही मिलता है, गर्मी में नहीं मिलता, इसके पीछे क्या रीज़न है? मोआ बनता कैसे है ये सब? एक्चुअली वो जो कनकचू धान मिलता है वही अच्छा मोआ बनने का एक अच्छा सा ये क्वालिटी है। वो कनकचू धान और जो गुड़, हम लोग नॉलेन गुड़ कहती है, खजूर का गुड़, वो माने विंटर सीज़न में ही मिलती है, बाकी सीजन में वो नहीं मिलता है। तो कैसी भी तरीके से बाहर में मोआ जो बिक रहा है वो एक्चुअली असली मोआ नहीं है। कैसे बन रहा है फिर, अभी जो बिक रहा है वो क्या है? नहीं, वो जो गुड़ मिलता है ना, खजूर का रस, और अभी उसके साथ बहुत से शुगर मिला के फिर वो चीनी मिलाकर बेचते हैं, इस वजह से अभी जो मोआ मिल रहा है वो असली नहीं है। चलिए आप मिठाइयाँ दिखाइए पियाली जी हमें, क्या क्या मिठाई है यहाँ पर? हाँ, ये जो मिठाइयाँ हैं ये एक्चुअली कौड़ा पाक का रसगुल्ला है। अच्छा। ये कांचा आम का। कौड़ा पाक का रसगुल्ला कैसे बनता है, क्या है इस रसगुल्ले? ये रसगुल्ला में ऐसा कुछ कड़ा मिठाई का होते हैं। अच्छा। गुड़ से बना हुआ है? नहीं 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 नहीं, गुड़ का है। गुड़ का रसगुल्ला विंटर सीजन पे ही मिलता है। विंटर में ही मिलता है। अच्छा, ये एक मिठाई हो गई जो आपने देखा, कड़े पाक का रसगुल्ला है ये। ये कौन सी चीज़ है पियाली जी? ये ग्रीन मैंगो का रसगुल्ला है। अच्छा, अभी देखिए गर्मियों का मौसम है, आम बहुत मिलता है, हरे आम का रसगुल्ला। तो कैसे बनाते हैं इसको, ये कारीगर है आपके? कारीगर अंदर है। अच्छा, हाँ अच्छा, कारीगर जब तक बुलाते हैं तब तक हम और दूसरी मिठाई देखते हैं। और बताइए दादा, एटा की मिष्टी, यहाँ से शुरू करते हैं, एटा की मिष्टी? संदेश, अच्छे संदेश, संदेश बंगाल का मशहूर संदेश है ये यो संदेश, यो संदेश, ये कलाकंद है। कलाकंद पूरे भारत में कई जगहों पर मिलता है और कई सारे लोग आए हुए हैं यहाँ खरीदने के लिए। की नाम अपना? আমার নাম রমা। কত বছর ধরে এই দোকানে কেনাকাটা করছেন আপনি? মানে আজ ফিরে 10 থেকে 12 বছর, আরো বেশি হয় কম নয়। 10-12 সাল হয়ে গেছে ইনকো ইয়া আতে হুয়ে।
और भी लोग आए हुए हैं। चलिए ये उनके कारीगर आ गए, कारीगर से हम बात करते हैं अंदर चल के। तो दादा प्याली जी से ही पूछते हैं, प्याली जी कैसे आप बनाती ये वाली मिठाई, कैसे तैयार होती है हरी वाली? हाँ मैं हरा रसगुल्ला कारीगर जो है उनको बुला रही है। हाँ बात बाकी मिठाइयाँ हमें दिखाएं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। बाकी जो ये नॉर्मल रसगुल्ला है, ये जो वाइट वाला, ये नॉर्मल रसगुल्ला है जो आप वाइट वाला देख रहे हैं, ये 2-in-1 रसगुल्ला है। तो 2-in-1 रसगुल्ला क्या होता है? वो चॉकलेट और रसगुल्ला मिला के बनाती है। तो देखिए फ्यूजन मिठाइयों का जमाना है, चॉकलेट और नॉर्मल छेना का, हाँ नॉर्मल छाना का रसगुल्ला ये है। अच्छा ये इस मिठाई के बारे, ये भी बहुत मशहूर है, हम जब बर्धमान जाएंगे आपको ये भी दिखाएंगे। ये मिठाई सीता भोग कहते हैं इसे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, वो बर्धमान का जो फेमस है सीता भोग। बर्धमान जिला है पश्चिम बंगाल में, पूर्वी बर्धमान पश्चिमी बर्धमान। सीता भोग चावल से बनता है और जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये गुलाब जामुन छोटे छोटे डाले हुए हैं, ये मीठा होता है। और ऐसी मान्यता है कि सीता माता को बहुत ज़्यादा पसंद थी, मतलब कि जो रामचंद्र हैं रामायण के अंदर उनकी पत्नी सीता को ये बहुत ज़्यादा पसंद था। आपके कारीगर हैं की नाम दादा अपना? बापी घोष। বাপিরা এই মিষ্টিটা কেমনি তৈরি হয়? ওইটা হচ্ছে আম, কাঁচা আম আছে, সেন্ট আছে ছানা। হ্যাঁ, তো কাঁচা আমকে কী করেন আপনি? ওটা যে মেশিনে পেশাই করে নেওয়া হয়, নিয়ে সেন্ট আছে, সেন্ট দিয়ে এবারে হচ্ছে রং দিয়ে করা হয়। কাঁচে আম কো পিস কর উসমে ডালতে হ্যাঁ। তো কত বছর ধরে কাজ করছেন এখানে? এখানটা আমি আছি তোমার 9 বছর। 9 সাল সে কাম করতে হ্যাঁ। কত টাকা রোজগার করেন দাদা একদিনে, মজদুরি কত পান? আমরা ওই 400 পাই, 400 রুপে ইনকি মজদুরি ইনকো মিলতি হ্যাঁ। তো দাদা একটা কথা বলুন, আপনাদের বাড়িতে কে কে আছে? বাড়িতে মা আছে, দাদা বৌদি আছে, বউ আছে, মেয়ে আছে। আচ্ছা, মা বৃদ্ধ পেনশন পাচ্ছেন? হুম। বাচ্চারা কোথায় পড়ে? বাচ্চা এখন সবে 3 বছর বয়স। আচ্ছা 3 বছর, স্কুলে যাচ্ছে না? ঠিক আছে। ইনকি মাতাজি কো বৃদ্ধ পেনশন মিল রা হ্যায়, বৃদ্ধা পেনশন জো হ্যায় ও মিল রা হ্যায়। খাদ্য সুরক্ষা আছে, খাদ্য সাথী বলে পশ্চিমবঙ্গে, রেশন পাচ্ছেন আপনি? রেশন পাচ্ছি। তো মমতা ব্যানার্জির প্রকল্পগুলো ভালো করে পাওয়া যাচ্ছে আপনাদের? মমতা ব্যানার্জি কি যোজনায় ইনকো ঢঙ্গ সে মিল রই হ্যাঁ। আরও একটু মিষ্টিগুলো দেখান আমাদের। আজিয়া মিষ্টি তো আর নেই, সব তো বিক্রি হয়ে গেছে। 2-in-1 রসগোল্লা কেমনি? ওটা আছে ক্যাডবেরি, ক্যাডবেরি আছে, ক্যাডবেরি দেওয়া হয়, হাফ ছানা ক্যাডবেরি মাখানো হয়, হাফ প্লেন ছানা থাকে। এবার দুটো আলাদা আলাদা খামি করে নিয়ে, খামি করে নিয়ে সেটা হচ্ছে জুড়ে মিশিয়ে দেওয়া। ইয়ে চকলেট মিলাতে হ্যাঁ, ইসমে ক্যাডবেরি মিলাতে হ্যাঁ। তো পিয়ালি জি আইয়ে, আপ ভি থোড়া হমে বতাইয়ে ইয়ে মিঠাইয়ো কা ক্যা হ্যায়, বাকি সারি কন কন সি মিঠাইয়া হ্যায়? ये जो बाकी स्टाइल है वो बापी जी अच्छे से बता सकते हैं हम लोगों को, अच्छे से बताएंगे। तो बापी दा आपनी आसुन पासे बोलून, एटा की मिष्टी? ओटा छे ओई गे बोला है, ओटा छे ओडा माते, ओडा छे धना छे मधु भोग बोला है। मधु भोग है ये, ये ए खीरेर, ओडा ओडा खीरेर पाक करे ओडा छे पेड़ा भाली करा है। प्यारा मतलब ग्वावा, अमरूद, अमरूद से बनी हुई मिठाई है, बीच में खीर बनाया हुआ है। एक एक और अलग सी मिठाई जो मुझे यहाँ दिखी, एटा की दादा? ওটা লেবু সেন্দা হয়, দিয়ে ওটা মাঝে মালটা হচ্ছে আর রং করে না হয়, নিয়ে ওটা মিষ্টি ফুইটে নিয়ে ওটা ওই গায়ে যেটা সাদা ভাব ওটা ক্ষীরে পাক করতে হয়, করে ওর গায়ে জড়িয়ে ওটা কাটা হয়। ये उसमें नींबू का फ्लेवर दिया जाता है, नींबू बता रहे हैं इसे। एटा की दादा? छाना पायस जरा बाटी है, हमारा बाटी ना करे न्यू स्टाइल है, अनुरम भाई करे छेना का खीर बनाया गया है। तो बहुत अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हैं, हमने सोचा जयनगर का मोआ तो हम नहीं दिखा पाएंगे, उसके इतिहास के बारे में कुछ बातें आपको ज़रूर बता दें, लेकिन बाकी मिठाइयाँ ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मिठाइयों को लेकर बहुत ज़्यादा है, खाने के बाद मिठाई खाना ज़रूरी है। आप किसी के भी घर जाएँ तो पानी के साथ आपको मिठाई देते हैं, ये यहाँ के कल्चर में है, मगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, शायद सही कह रहा हूँ। तो किस तरह मतलब कितना बिक जाता है, कितनी मिठाइयाँ बिक जाती हैं आपकी दुकान में? बिक जाता है, वो ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसा पार्टिकुलरली पता नहीं। अंदाज में महीने में या दिन में कितना किलो बिक जाता है? दिन में 40 किलो छेना का मिठाई बिकता है। 40 किलो सिर्फ छेना का है, उसके अलावा मिल्क है,
मिल्क का है, छेना भी मिल्क से ही बनता है, बाकी जो मिठाइयाँ मतलब वो मिल्क से कुछ मिठाई बनता है, कुछ छेना से बनता है। अच्छा, मतलब एक तो सिर्फ मिल्क से तैयार होने वाला और एक दूध को फाड़ के जो छेना बनता है उसकी मिठाइयाँ। तो कारोबार के बारे में बताइए, लॉकडाउन हुआ और ये चीज़ें हुई तो आप लोगों का कारोबार कैसे चल रहा है? हाँ, लॉकडाउन में तो वो दुकान बंद था, शॉप पूरा बंद था, और फिर उसके बाद में जब से चालू हुआ तब से वो उतना मार्केट तो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक है, चल रहा है, मार्केट की स्थिति खराब है। अच्छा बताइए, अब वोट होने वाला है, चुनाव है, आप एक कारोबारी के तौर पर, आप किसी की भी सरकार आए, जिसकी भी सरकार आएगी, आप उससे क्या मांग करना चाहेंगे? सब लोग जैसे अच्छे से रह पाए और सबके लिए अच्छा कुछ बने, मतलब कम्युनिकेशन, हम लोग कलकत्ता से बहुत दूर है तो यही काफ़ी है, और हेल्थ के बारे में, सब लोगों का हेल्थ अच्छा होने से इधर हॉस्पिटल कुछ अच्छा हो जाए, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा मिले, बस हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटी, रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधा दुरुस्त हो, ऐसा ये कह रही थी दादा। एक बार वोट होते चले छे पश्चिमबंगे, की मने होच्छे, कार दाबी आछे एक बार पश्चिमबंगे? परिवर्तनेर मानेटा कि? परिवर्तन माने एखन जा अवस्था, जा भारतीय जनता दल ক্ষমতা আসা দরকার। ভারতীয় জনতা দল কি পার্টি? ওই দল মানে পার্টি, দল মতলব পার্টি, বাংলা মে এই কহতে কে রে ইস বার পরিবর্তন হোগা, ভারতীয় জনতা পার্টি আনা চাহিয়ে ইনকে মত সে। আপনার কি নাম? আমার নাম প্রভাত ঘোষ। প্রভাত ঘোষ নাম হে ইনকা, ইয়ে দোকান মে। আপনি কি মনে করেন দাদা, এবার ভোটের কার দাবি আছে? ভোটের দাবি বলছে, হ্যাঁ যা কথা বলছে ঠিকই বলেছে, পরিবর্তন আমরাও চাই, কেন যেই সে মাল আসছে সেই সে যারা পাত্র লোক তারা পাচ্ছে না, কিন্তু যারা পাত্র লোক না তারা পাচ্ছে। दीदी भालो, दीदी चमचा गुलो खराब। दीदी अच्छी है, ममता बनर्जी अच्छी है, किंतु दीदी चमचा गुलो खूब खराब, तारा पेट भरती को नीचे। दीदी के जो चमचे हैं वो बदमाश हैं, वो खराब हैं, और वो अपना पेट भर लेते हैं, जो अनुदान राज्य देता है इनके मुताबिक वो लोगों तक नहीं पहुंचता, इस वजह से ये परिवर्तन चाहते हैं। हम इस वक्त हैं जयनगर विधानसभा सीट पर, ये विधानसभा सीट दरअसल शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, और हम आपको मिठाई की खबर दिखा रहे थे, साथ ही साथ इनके ज़िंदगी से जुड़ी आम बातों पर भी चर्चा हुई। इस पूरे इलाके में तृणमूल कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन की थी, ज़्यादातर सीटें उन्होंने इस इलाके में, ज़्यादातर क्यों, सारी सीटें उन्होंने इस इलाके में जीती थी, और अगर उन्हें दोबारा इस सत्ता पर काबिज़ होना है पश्चिम बंगाल में तो इस विधानसभा चुनाव में फिर से बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना पड़ेगा। इस वजह से हम इस इलाके से अलग अलग खबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आगे भी लेकर आते रहेंगे। मैं हूं प्रशांत मुखर्जी, कैमरे पर अमितेश हैं, देखते रहिए हमारी चुनाव यात्रा। नमस्कार।